तो दोस्तों, क्या आप अपनी लाइफ के, अपने जीवन के सबसे खराब दौर में से गुजर रहे हैं? क्या आपके सामने जीवन का, मरण का प्रश्न बना हुआ है? क्या आप पूरी तरह से कर्ज में डूब चुके हैं? क्या आप गंभीर लाइलाज बीमारी से पीड़ित हैं? आपको लगता है कि आखिरी सांसें रह गई हैं, भगवान से मौत मांग रहे हैं? यदि हां, तो आज एक महाचमत्कारिक उपाय, महाचमत्कारिक टोटका आपकी बदकिस्मती को, आपके बैड लक को खुशकिस्मती में, गुड लक में बदल सकता है। आपकी हर वो मुराद पूरी कर सकता है जिसकी आप चाहत रखते हैं। सभी प्रकार की शारीरिक, आर्थिक, मानसिक समस्याओं से मुक्ति दिला सकता है। आपको करना क्या है, आइए उसको जान लेते हैं, समझ लेते हैं, लिख लेते हैं। आज संध्या काल में लाल वस्त्र धारण करके हनुमान जी महाराज के मंदिर में हनुमान जी महाराज का अनार के रस से अभिषेक कीजिएगा। भौम प्रदोष के दिन बड़ा ही दुर्लभ संयोग में जब इस प्रकार के उपाय किए जाते हैं, तो निश्चित तौर पे उन उपायों के चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलते हैं। तो आज संध्या समय में स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात लाल रंग के वस्त्र धारण करके हनुमान जी महाराज की प्रतिमा का अनार के रस से अभिषेक कीजिएगा। चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी महाराज को सिंदूर का चौला अर्पण कीजिएगा। हनुमान जी महाराज के समक्ष सरसों के तेल का, चमेली के तेल का श्रद्धा अनुसार आप दीपक अर्पण कीजिएगा। सुगंधित इत्र अर्पण कीजिएगा। गुलाब के पुष्पों की माला अर्पण कीजिएगा। एक चांदी के बने हुए पान के पत्ते पर, चांदी के बने हुए पान के पत्ते पर एक देसी घी का रोट, उस रोट के ऊपर शुद्ध घी, थोड़ा सा बूरा, देसी घी का रोट, उस पे थोड़ा सा घी और बूरा, बूंदी के लड्डू, बूंदी के 5 लड्डू, गुड़ चने का भोग पान के पत्ते पे, वो भी चांदी का बना हुआ पान का पत्ता हो, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, सिंपल पान के पत्ते पे ले लीजिएगा। भोग हनुमान जी महाराज को अर्पण कीजिएगा। पान का बीड़ा अर्पण कीजिएगा। अब आपको गुलाब के 108 पुष्प लेकर हनुमान जी महाराज की प्रतिमा के समक्ष बैठना है। हनुमान जी महाराज के 108 चमत्कारिक नाम होते हैं। यदि उन नामों का सप्ताह में एक बार आप उच्चारण कर लें, आपके सभी प्रकार के कष्ट हनुमान जी महाराज स्वतः ही दूर कर देते हैं। अजर अमर हनुमान जी महाराज आपकी रक्षा के लिए सदैव खड़े हो जाते हैं। तो आज आपको हनुमान जी महाराज के 108 नामों का पाठ करना है। हर नाम के साथ साथ एक एक पुष्प हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में आपको अर्पण करना है। हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में अर्पण किए गए गुलाब के पुष्पों को सुखाकर उसका गुलकंद बनाना है और प्रसाद के रूप में रोजाना उसको ग्रहण करना है। इस प्रकार हनुमान जी महाराज की आज पूजा अर्चना करनी है, संध्या समय में आरती पुष्पांजलि करनी है। तो आज भौम प्रदोष पर हनुमान जी महाराज का चमत्कारिक उपाय आपकी लाइफ में, आपके जीवन में छाए हुए गंभीर संकटों के बादलों को दूर कर सकता है। इस चमत्कारिक उपाय से आप बन सकते हैं रोड़पति से करोड़पति। आज हनुमान जी करेंगे आपका बेड़ा पार। मिलेगी बढ़ती कंगाली, गरीबी, दरिद्रता से परमानेंट मुक्ति।